सत श्री अकाल पंजाबियो, अज एक बार फिर तो कनेडा की खास खबर लैके तुहाडे लई हाजिर होए हाँ। अज की खबर हर एक पंजाबी दे लई सुननी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कनेडा दे विच बैठा सिद्धू मूसेवाला कतलकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़, जिसने कल पंजाब दे विच हुए दो नौजवानों के एनकाउंटर तो बाद एक वड्डा बयान दिता, जिसनों सुन के पंजाबियों का गुस्सा हद तो पार हो गया। पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाला दे होए कतल तो बाद फड़े गए 16 कातलों के विचों दो कातलों का एनकाउंटर कर दिता गया। जदों का सिद्धू मूसेवाले का बेरहमी दे नाल कतल होया सी, उदों तो ही पंजाब दे लोक गुस्से दे विच मंग कर रहे सन कि सिद्धू दे कातलों नूं फड़ के उन्हां दा एनकाउंटर कर दिता जाए, उन्हां नूं बख्शिया ना जाए। इस गल नूं फॉलो करते हुए दो गैंगस्टरों का मुठभेड़ दे विच एनकाउंटर तां कर दिता गया, पर इस तों बाद बाकी गैंगस्टरों का की हाल है ते गोल्डी बराड़ ने इस ते की कहा, आओ तुहानूं अगे वीडियो दे विच दस्सदे हां। आ रही खबरों के मुताबिक सूत्रों को पता लगा है कि बिश्नोई ग्रुप के जिन्हें भी गैंगस्टर इस समय जेल के बंद हैं, चाहे वह पंजाब हो फिर पंजाब तो बाहर, सब के डर का माहौल बनया हुआ, सहमे हुए हैं। दसया जा रहा है कि इस एनकाउंटर का जो बाकिया पता लगा तो उदों तो ही उन्होंने ना तो रोटी खाधी है ना ही सुत्या, उन्हों दातों दींदा उड़ गई ने। उन्होंने अपनी मौत का डर लगातार सता रहा है, शायद उन्होंने पक्का यकीन हो गया कि उन्होंने सारियां एनकाउंटर करके ही मार दिता जाएगा, यही उन्होंने अंत होगा। इन्हें दे विच गोल्डी बराड़ जुड़ी एक वड्डी खबर भी निकल के सामने आ रही। एनकाउंटर की खबर सुन तो बाद गोल्डी बराड़ का की हाल है वह भी तुहानूं अगे वीडियो दे विच दस्सदे हां, पर इस तों पहले एक जरूरी गल दसनी बनती है कि जदों सिद्धू का कतल होया सी तां गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर पोस्ट पाई सी ते कहा सी कि मैं गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई ते बिश्नोई ग्रुप इस कतल की जिम्मेवारी लेंदे हां, सिद्धू मूसेवाले नूं असी ही मारिया है। उस वक्त इन्हां नूं नहीं सी पता कि जो ये कर रहे हैं इस काम का खुमियाजा इन्हां नूं बहुत वड्डे तौर पर भुगतना पवेगा। तो लॉरेंस बिश्नोई इस गल तो भी मुकर गया सी कि उसका इस कतल दे विच कोई हाथ है, इतों तक कि लॉरेंस बिश्नोई इन्ना डर गया उसने कोर्ट के पटीशन भी पा दी कि उसनूं पंजाब ना भेजा जाए, नहीं तो पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। उसने अपने हाथ पिछे खिंचने शुरू कर दते, पर उसकी कोई भी चाल नहीं चली। जदों कोई भी चाल सफल नहीं हुई तो गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया से एक वीडियो जारी की, जिस दे विच उसने अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि असी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। उसने वीडियो के कुछ अजिहियां गल्लां भी कीतियां जिस दे नाल लोग कुछ हद तक गोल्डी बराड़ के पक्ष में आ गए, पर बहुते लोगों ने यही कहा कि तुहाडी चाहे कितनी भी वड्डी दुश्मनी चलती हो पर किसी नूं जान तो ही मार देना बिल्कुल गलत गल है। इस तों बाद एक होर वीडियो भी सामने आई जिस दे विच कनेडा दे विच गोल्डी बराड़ नूं फड़िया गया, कुटिया गया, मारिया गया, घड़ीसिया गया, फिर उसनूं पुलिस के हवाले भी किया, पर बाद विच पता लगा कि वह कोई होर ही शख्स है ना कि गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ के चक्कर के विच एक निर्दोष ही बेचारा लोगों के वल्लों कुटिया गया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब दे विच होए एनकाउंटर तो बाद कनेडा दे विच बैठा गोल्डी बराड़ डरिया होया है, उसनूं डर है कि उसके बाकी सारे साथियों गिरफ्तार जो किए गए हैं उन्हों का भी अंत यही होगा, उन्होंने मार दिता जाएगा। उसनूं अपनी मौत का डर भी लगातार सता रहा है कि शायद हुण वह भी नहीं बचेगा। सिद्धू मूसेवाला के केस से लगातार नज़र रखने वाला गोल्डी बराड़ जो एक एक गल बाहर आने तो बाद कनेडा तो वीडियो जारी कर रहा है, वह एनकाउंटर तो बाद कुछ नहीं बोलिया तो ना ही उसने कोई बयान दिता। यह बहुत हैरानीजनक गल है, वह कनेडा दे विच पुलिस तो लुक के बैठा होया है, अपना बचाव कर रहा है। जिवें कि सानू सब नू पता है कि पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाला दे दो कातलों का एनकाउंटर कर दिता गया है, बाकी सारे कातलों का की होना चाहिए है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नाल ही साडे तहलका पंजाब चैनल तों आने वाली होर वीडियोज़ देखने लई तहलका पंजाब चैनल दे नाल जुड़े रहना। धन्यवाद जी।